मेरे खाते से पैसे फॉरवर्ड करके 61,905 रुपये निकाल लिए हैं, जिसकी मैंने बैंक वालों को काफ़ी तलाश कराई, लेकिन अभी तक तो कोई हो नहीं मिल नहीं पाए। और बैंक वाले भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश फॉरवर्ड से हुआ है। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। CRPF GC2 में कार्यरत कांस्टेबल के खाते से निकले 61,998 रुपये। सिपाही ने गंज थाने में दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत महाराष्ट्र के रहने वाले तुकाराम ने अपने साथ धोखाधड़ी होने पर गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल रामदेव ने दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि CRPF GC2 फायसागर रोड पर कार्यरत महाराष्ट्र निवासी कांस्टेबल तुकाराम के SBI बैंक अकाउंट में खाते से 61,998 रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रांसफ़र कर लिए। इस मामले में अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट तुकाराम द्वारा गंज थाने में दर्ज करवाई गई है, जिस पर IPC की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामला था ये, तो 10/9/2021 को टुक्का रहन नाम से सिपाही था जो महाराष्ट्र का CRPF में कार्यरत है या ग्रुप टेस्ट में, और इसने इसका लेन देन खाता स्टेट बैंक के SBI में चल रहा है या, और इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे खाते से पैसे फॉरवर्ड करके 61,905 रुपये निकाल लिए हैं, जिसकी मैंने बैंक वालों को काफ़ी तलाश कराई, लेकिन अभी तक तो कोई हो नहीं मिल नहीं पाए। और बैंक वाले भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश फॉरवर्ड से हुआ है और इसका मुकदमा कल दर्ज कर लिया है 420 में। बैंक है इसमें बैंक थोड़ा गलती है, इसकी मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसकी जाँच शुरू है।